जी कैफ फोर आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 48। आज के लेक्चर में हमने क्या करना है, आज के लेक्चर में एक तो हम डिस्कस करेंगे होम असाइनमेंट। आपको होम असाइनमेंट दी गई थी जो तकरीबन आधे स्टूडेंट्स ने नहीं करके आए। कोई बात नहीं, कौन सा, सारे पास हो जाते हैं। फेल भी तो किसी ना किसी ने होना है ना, फेल भी तो किसी ना किसी ने होना है ना। तो कौन से वाले स्टूडेंट फेल होते होंगे, जो असाइनमेंट करते हैं वो, कि जो असाइनमेंट नहीं करते। जो असाइनमेंट नहीं करते। असाइनमेंट डिस्कस करने के बाद डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कोऑनरशिप। पार्टनरशिप के बारे में कल हमने स्टडी कर लिया, इसके एसेंशियल्स के बारे में स्टडी किया हमने। आज हम स्टडी करेंगे कि पार्टनरशिप और कोऑनरशिप, इन दो टर्म्स में फर्क क्या है, कोऑनरशिप क्या होती है और ये पार्टनरशिप से कैसे डिफरेंट है। रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में वो हमसे पूछ सकता है कोऑनरशिप के बारे में। फिर स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की कितने टाइप्स हैं, पार्टनरशिप के कितने टाइप्स हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ए प्राइमा फेशिया एविडेंस। प्राइमा फेशिया एविडेंस का मतलब क्या होता है, बजाहिर 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 बादियन नजर में, यानी फौरी तौर पे देखते हुए। ला में दो टर्म्स यूज होती है, एक प्राइमा फेशिया एविडेंस, एक कंक्लूसिव एविडेंस। प्राइमा फेशिया एविडेंस होता है बजाहिर सरसरी तौर पे देखे तो क्या लगता है, और कंक्लूसिव का मतलब है डिटेल में हर चीज को चेक करने के बाद किस नतीजे पे पहुंचे। ठीक है, तो बजाहिर लग रहा है कि भाई पढ़ने वाले हैं और पास हो जाएंगे, प्राइमा फेशिया एविडेंस। लेकिन जब इनके असाइनमेंट्स देखे, जब इनके टेस्ट देखे, जब डेली बेसिस पे इनसे पूछा आप कितना पढ़ते हैं, तो उसके बाद भी पता चला कि पास हो जाएंगे, क्योंकि ये डेली असाइनमेंट भी करते थे, घर जाके रीडिंग भी करते हैं और टेस्ट वगैरह भी देते हैं। तो ये कंक्लूसिव एविडेंस हो गया। एक होता है प्राइमा फेशिया एविडेंस, एक कंक्लूसिव। सम टाइम प्राइमा फेशिया एविडेंस कुछ और कह रहा होता है, कंक्लूसिव एविडेंस कुछ और। प्राइमा फेशिया एविडेंस से लगता है कि ये जो बंदा ये बड़ा शरीफ है, इसने जुर्म नहीं किया। लेकिन जब उसके खिलाफ सबूत और गवाह इकट्ठे होते हैं तो फिर कंक्लूसिव एविडेंस में क्या चीज सामने आती है, जुर्म इसी ने किया है। तो प्राइमा फेशिया और कंक्लूसिव एविडेंस इसमें फर्क है। तो कहता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट प्राइमा फेशिया एविडेंस तो है, लेकिन कंक्लूसिव टेस्ट नहीं है पार्टनरशिप का। बताना क्या चाह रहा है कि अगर किसी के साथ प्रॉफिट शेयर हो रहा हो, किसी पर्सन के साथ, बजाहिर तो ऐसा लगता है कि वो पार्टनर है, लेकिन असल में लाजमी नहीं वो पार्टनर हो, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि असल में लाजमी नहीं कि वो, यानी अगर किसी पर्सन के साथ प्रॉफिट शेयर हो रहा है तो बजाहिर तो वो हो सकता है, बजाहिर हमें लगेगा कि वो पार्टनर है, ज्यादातर केसेस में होता भी है, लेकिन कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, यानी 100% कंफर्म नहीं है यानी कि वो पार्टनर है। इसका मतलब है कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें प्रॉफिट शेयर होता है लेकिन वो पार्टनर नहीं है। भी समझ आया इस लाइन का मतलब, समझ आया? द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ए प्राइमा फेशिया एविडेंस बट नॉट कंक्लूसिव टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ज्यादातर केसेस में जिसके साथ प्रॉफिट शेयरिंग होती है वो पार्टनरशिप है, लेकिन कंक्लूसिव हमेशा ऐसे नहीं है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 लिस्ट द सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच रिसीव्ड बाय पर्सन ऑफ ए शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक हिम ए पार्टनर विद द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। कहता मुझे वो सिचुएशन बताओ जिसमें किसी पर्सन के साथ प्रॉफिट तो शेयर हो रहा हो लेकिन वो इसकी वजह से ऑटोमेटिकली पार्टनर नहीं बनता, यानी वो सिचुएशन बताओ जिनमें प्रॉफिट शेयर हो रहा है लेकिन वो पर्सन पार्टनर नहीं है, और वो सिचुएशन मुझे बताएंगे ये भाई सेंटर में जी बताइए और मेरा नाम रोशन कीजिए। शाबाश, छह सिचुएशंस पढ़ी थी कल हमने और आसान से छोटी छोटी सिचुएशन है मेरा भाई। शाबाश, लेंडर ऑफ मनी, माइनर, माइनर कौन सा माइनर, विडो आर माइनर ऑफ डिसीज पर्सन। अच्छा ये कहना चाह रहे थे, आगे याद क्यों नहीं कर, याद नहीं करके आए, फेल हो जाएंगे ऐसे नहीं याद करके, कोई ना कोई मजबूरी रही होगी मैं जानता हूं, लेकिन फेल हो जाएंगे ऐसे। आई कैब किसी मजबूर को नहीं जानता, वो कहता है भाई मेरे पास वही बंदा है जो मेहनत करके पढ़ गया है। क्यों नहीं मेरे भाई ने पढ़ा कल, क्यों नहीं याद किया आपने? FR, आपको एफ आर वन ला से ज्यादा प्यारी है ना, आज पता चल गया हमें। ऐसे ना किया गया लॉ के लिए एफ आर वन को छोड़ दिया, छोड़ दिया यानी सब्जेक्ट छोड़ दिया। नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, अच्छा एक दिन पढ़ना छोड़ दिया, नहीं नहीं छोड़े ना। देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए हर सब्जेक्ट पास करना जरूरी है, हर सब्जेक्ट को उसका ड्यू राइट दे, हर सब्जेक्ट का, एफ आर वन को एफ आर वन का टाइम दे, लॉ को लॉ का टाइम दे, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ हाँ, तो जिस दिन अगले दिन अगर लॉ का टेस्ट है ना तो आपने उससे पहले लॉ भी पढ़ना है और एफ आर वन भी पढ़ना है। एक भी सब्जेक्ट रह गया तो आप कैफ क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकेंगे। जी मेरे भाई बताइए, छह सिचुएशन
ऐसे ना किया करे, छोटा सा कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है। और अभी आप देखेंगे आई क्या बार बार पूछ रहा है, नहीं याद किया, ये हाल है। फिर कहते हैं ला मुश्किल है ना, मुश्किल बना देते हैं आप लोग ना पढ़ पढ़ के उसको। हाँ मेरे भाई, चलो शुक्र है कोई अब लैंड ऑफ मनी, शाबाश। एजेंट आर एम्प्लॉय रिसीविंग द प्रॉफिट एज रिम्यूनरेशन, रिटायर्ड पार्टनर, विडो आर माइनर ऑफ डिसीज पार्टनर, ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट, शाबाश। ए पर्सन प्रीवियस सेलर, प्रीवियस ओनर रिसीविंग परसेंटेज एज रिम्यूनरेशन। क्लियर होगी क्वेश्चन, पता चल गया क्या लिखना था। क्वेश्चन नंबर टू, शेयरिंग नेट प्रॉफिट्स यूजुअली क्रिएट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंस, यानी बड़ा स्ट्रॉन्ग हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं, दैट द पार्टीज हैव फॉर्मड ए पार्टनरशिप। इसे पता चलता है यानी प्रॉफिट शेयरिंग एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। किस चीज का स्ट्रॉन्ग एविडेंस है? पार्टनरशिप है। बट इन सर्टेन सिचुएशन द फैक्ट दैट द प्रॉफिट्स आर शेयर्ड आर द पार्टीज हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स विल नॉट बाय इटसेल्फ क्रिएट ए प्रिजम्पशन दैट ए पार्टनरशिप वॉज इंटेंडेड। लेकिन कुछ केसेस में प्रॉफिट शेयर हो रहा होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पार्टनरशिप भी क्रिएट हुई है। लिस्ट सच सिचुएशन एज गिवन इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932। कौन सी सिचुएशन? सेम जो अभी बताइए। शाबाश। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ए प्राइमा फेशिया एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट लिस्ट एनी फोर सर्कमस्टेंसेज इन विच ए नॉन पार्टनर कुड बेनिफिट फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। वही क्वेश्चन, थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में उसने भी बता दिया हमें। शाबाश। क्वेश्चन क्वेश्चन फोर, आफ्ताब बादल ए बी एंड सी, आफ्ताब बादल एंड चांद स्टार्टेड ए बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन लाइट बल्ब्स टुगेदर अंडर द नेम ऑफ सोलर ट्रेडर्स। इन्होंने काम शुरू किया और सोलर ट्रेडर के नाम से बिजनेस शुरू किया। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली एंड बिजनेस विल बी मैनेज्ड बाय आफ्ताब ओनली। उन्होंने फैसला किया कि हम सारे प्रॉफिट शेयर करेंगे लेकिन बिजनेस मैनेज आफ्ताब ही करेगा। ऑन फर्स्ट डे ऑन बिहाफ ऑफ सोलर ट्रेडर्स आफ्ताब ऑर्डर्ड 100 लाइट बल्ब्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम तनवीर, होल सेलर ऑफ इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स। उसने 100 बल्ब्स का ऑर्डर किया अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1900। एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ डिफरेंट पार्टीज इन दिस एग्जाम्पल। कल जो हमने टर्म्स पढ़ी थी ना, टर्म्स याद है कौन कौन सी पढ़ी थी? एक्ट ऑफ फर्म, पार्टनर, फर्म, थर्ड पार्टी, एक्ट ऑफ फर्म। बिल्कुल, कहता है अब वो इस एग्जाम्पल को सामने रखे मुझे समझाओ। तो सबसे पहले आफ्ताब बादल एंड चांद, ये इंडिविजुअली हर एक पार्टनर है और कलेक्टिवली, यानी जब हमने कहना होगा ना आफ्ताब की ये जिम्मेदारी है, हम कहेंगे आफ्ताब शैल डू दिस। जब कहना होगा बादल की जिम्मेदारी है, हम कहेंगे बादल शैल डू दिस। जब कहना होगा चांद की जिम्मेदारी है, चांद शैल डू दिस। लेकिन जब कहना होगा आफ्ताब बादल एंड चांद तीनों की जिम्मेदारी है, फिर कहेंगे फर्म शैल डू दिस। फिर हर एक अलग अलग नाम नहीं, लंबा नाम हो जाएगा ना, फर्म शैल डू दिस। तो फर्म का मतलब सारे के सारे पार्टनर्स कलेक्टिवली। तो ए बी ये इंडिविजुअल पार्टनर्स है, कलेक्टिवली फर्म है। फर्म का नाम क्या है? सोलर ट्रेडर्स। सोलर ट्रेडर। अच्छा, आफ्ताब मैनेज करेगा बिजनेस, तो बाकी मैनेज नहीं करेंगे। आफ्ताब को हम क्या कहते हैं? ये कौन सा पार्टनर है? एक्टिव पार्टनर। बाकी लोग स्लीपिंग पार्टनर्स। शाबाश। अच्छा, फिर इसके बाद तनवीर कौन है? थर्ड पार्टी। और ये जो ऑर्डर दिया है खरीदने का, ये क्या है? एक्ट ऑफ फर्म। एक्ट ऑफ पार्टनर यानी एक्ट ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू एक्ट ऑफ फर्म। एग्री करते हैं ना इसे? यानी ये जो आफ्ताब ने ऑर्डर दिया है, इसके पैसे आफ्ताब ने देने हैं कि फर्म ने? फर्म ने। एक्ट ऑफ पार्टनर इज इक्वल टू एक्ट ऑफ फर्म। हाँ, बाद का पार्टनर की कुछ जाती ट्रांजेक्शन होती है, तो अगर उसकी इंटेंशन हो कि उसने अपने जाती ट्रांजेक्शन किया, तो फिर वो एक्ट ऑफ फर्म नहीं होगा। यानी आफ्ताब अपने घर के लिए दो बल्ब खरीदता है, अगर ऐसे में लिखा हुआ अपने घर के लिए खरीदे, वो एक्ट ऑफ फर्म नहीं होगा। वो एक्ट ऑफ फर्म, वो उसका पर्सनल एक्ट है। लेकिन फर्म के लिए, फर्म के बिहाफ पे जो भी काम किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? एक्ट ऑफ फर्म। क्लियर जी? आफ्ताब अगर कोई लोन लेके पैसे नहीं अदा करता, क्या बाकी दोनों लायबल होंगे? यस। जैसे अगर इसी बंदे से, ये तनवीर से क्रेडिट पे बल्ब लिए थे, अगर इसको पेमेंट नहीं होती तो क्या तनवीर दूसरे पार्टनर से रिकवरी करवा सकता है? यस, करवा सकता है। क्यों भला? कौन सा सेंशल था? जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी वाला। सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव,
In an MBA class, 28 class fellows decided to form a partnership firm to work collectively as marketing and advertisement advisor. A, can they form a partnership? Give reason. क्यों नहीं कर सकते? पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 20 होते हैं, लेकिन क्या एक्सेप्शन नहीं अप्लाई होगी यहाँ पे? हाँ जी, वो प्रोफेशनल के लिए है, प्रोफेशनल से मतलब अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, ठीक है, एमबीएस प्रोफेशनल नहीं कंसीडर होते लॉ के अंदर। सजेबल अल्टरनेटिव टू फॉर्म ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ले, क्योंकि कंपनी में ये मैक्सिमम नंबर की लिमिटेशन नहीं है। सिक्स, After qualifying CA 28 chartered accountants decided to form a partnership firm to work collectively as chartered accountants. कर सकते हैं क्या? 28 हैं? कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अली बिलाल एंड शानदार पार्टनर्स इन द बिजनेस, दाऊद एंड आउटसाइडर यानी थर्ड पार्टी डील्स विद द फर्म थ्रू अली, वो दाऊद अली के साथ एग्रीमेंट करता है, जैसे पिछले वाले केस में आफ्ताब ने तनवीर के साथ किया था। इन केस ऑफ डिस्प्यूट कैन दाऊद सू बिलाल एंड आर चांद, जी हाँ, दाऊद चाहे तो अली बिलाल और चांद तीनों के खिलाफ भी केस फाइल कर सकता है, और तीनों के में से किसी एक के खिलाफ। ये जॉइंट प्रॉमिस में भी यही रूल पड़ा था हमने, याद है? फिर कैन बिलाल एंड आर चांद सूट दाऊद, बिल्कुल। तो दूसरे पार्टनर, ये थर्ड पार्टी अदर पार्टनर के खिलाफ भी केस फाइल कर सकते हैं, और अदर पार्टनर थर्ड पार्टी के खिलाफ भी केस फाइल कर सकता है, तीनों के खिलाफ भी कर सकता है। दूसरे क्वेश्चन में दो पूछा है, अगर वो कहता जी कैन बिलाल आर चांद आर अली सू दाऊद, फिर भी हमारा जवाब यही होता, यस कर सकते हैं, एक भी कर सकता है। रेलिवेंट लीगल प्रोविजन जो है वो पहले वाले केस में तो होगी जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी के, दाऊद इनमें से किसी के खिलाफ भी केस फाइल कर सकता है, और दूसरे वाले में केस में होगी एक्ट ऑफ फर्म कि वो जो एक्ट किया है अली ने वो एक्ट ऑफ फर्म है, इसका मतलब है फर्म में से कोई भी पार्टनर उसके खिलाफ एक्शन ले सकता। एट लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस वेदर फॉलोइंग बिजनेसेस आर पार्टनरशिप आर नॉट, बताना है कि ये बिजनेस। अच्छा ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन अहम है आगे वो भी कर लेते हैं, बाकी के क्वेश्चन कल पे ले जाते हैं, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन आज किए ना तो लेक्चर का टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन एक अहम क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो आज कर लेते हैं और बाकी फिर हम कल करेंगे। क्वेश्चन 11, मुनाफ, मुनाफ ए सोल। अच्छा रिक्वायरमेंट में हमने ये बताना है, एनालाइज द अबव सिचुएशन एंड एडवाइज वेदर ए पार्टनरशिप कंस्टिट्यूटेड बिटवीन मुनाफ एंड लारी अंडर प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। जब कभी हमें किसी केस के फैक्ट्स देके पूछता है बताओ ये पार्टनरशिप बनी है कि नहीं बनी, हमारा असूल क्या होता है, टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप कैसे करते हैं, हम देखते हैं एसेंशियल्स में से किसी की वायलेशन हो रही है कि नहीं, अगर किसी एक ही भी वायलेशन हो रही हो पार्टनरशिप नहीं है। लेकिन वन बाय वन सारे एसेंशियल डिस्कस करेंगे, जो पूरा हो रहा है वो भी डिस्कस करेंगे केस स्टडी में जो भी उसने दिया हुआ। पहला, मुनाफ ए सोल प्रोप्राइटर इंगेज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग कुकिंग ऑयल टू होलसेलर एग्री टू एडमिट लॉरी इन हिज बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, दैट लॉरी शैल नॉट ब्रिंग एनी कैपिटल। बताइए यहां तक एसेंशियल की वायलेशन हो रही है, एसेंशियल की वायलेशन हो रही है, नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि पार्टनर के लिए कैपिटल लाना लाजमी नहीं है, तो हम लिखेंगे इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए पर्सन ब्रिंग्स कैपिटल टू बिकम पार्टनर। कमेंट करते जाना हर एक इंफॉर्मेशन पे जो वो दे रहा है। क्लियर हो गया पहले वाला पॉइंट? नेक्स्ट, एंड शैल नॉट बी लायबल फॉर एनी लॉसेस ऑफ द फर्म, वायलेशन हो रहा है कोई एसेंशियल, इससे भी कमेंट कर देंगे कि इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ए पर्सन टू शेयर लॉसेस टू बिकम पार्टनर, यानी कैपिटल आना भी लाजमी नहीं है, लॉस शेयर करना भी लाजमी नहीं है, कोई एक पर्सन बगैर कैपिटल लाए भी पार्टनर बन सकता है। आपने अक्सर देखा होगा मुदारबा स्टाइल बिजनेस सुना होगा कि एक बंदा पैसे लेके आता है, दूसरा बंदा अपनी स्किल लेके आता है, और दोनों बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में, तो कैपिटल लाना लाजमी नहीं है। हाउएवर ही शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव 150,000 ऑन इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यू क्लाइंट टू द बिजनेस, शेयर 40% ऑफ प्रॉफिट्स एंड हैव राइट टू एक्सरसाइज ऑल द पावर्स ऑफ ए पार्टनर, लेकिन उसको 150,000 एडिशनली दिया जाएगा। क्या किसी पार्टनर को एडिशनल रिम्यूनरेशन दी जा सकती है? अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो दी जा, तो एडिशनल रिम्यूनरेशन देने का यह मतलब नहीं है वो एम्प्लॉय बन गया, तो हम इसको भी कमेंट करेंगे। ए पार्टनर कैन गेट एडिशनल रिम्यूनरेशन इफ एग्रीड इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, शेयर 40% ऑफ प्रॉफिट, लिखेंगे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ए प्राइमा फेशिया एविडेंस,
ऑफ पार्टनरशिप इज ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस। भाई जो जो भी एविडेंस इकट्ठे हो रहे हैं कमेंट करते जाएंगे ना। एंड राइट टू एक्सरसाइज ऑल द पावर्स ऑफ ए पार्टनर इन द फर्म, यानी इसका मतलब है उसके पास जो भी एक पार्टनर की पावर होती है वो सारी की सारी मौजूद है। तो इसका मतलब है जितनी भी कंडीशन उसने क्वेश्चन में, ये दूसरे पास में पता क्या कह रहा है कि वो एक तरह से एजेंट है दूसरे ओनर्स का, क्योंकि राइट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल पावर्स, ये राइट कब मिलता है जब हम किसी को अपना पार्टनरशिप में पार्टनर बना लेते हैं। इसका मतलब है एजेंसी रिलेशनशिप क्रिएट हुआ, अब वो अगर अपने एक्ट्स कोई भी करेगा तो वो दूसरे लोगों के ऊपर बाइंडिंग है। तो क्वेश्चन में जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी आप एक दफा फिर से देखें और मुझे बताएं किसी भी इंफॉर्मेशन में कोई भी एसेंशियल वायलेट हो रहा है? नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ? हम लिखेंगे इट अपियर्स, अभी भी एहतियातन यही लिखेंगे, इट अपियर्स डेट मुनाफ एंड लारी बोथ आर पार्टनर्स, बोथ हैव क्रिएटेड पार्टनरशिप। अच्छा, अगर एक भी कंडीशन वायलेट हो रही होती ना, एक भी, चार फर्ज कीजिए पूरी हो रही हैं, एक वायलेट हो रही है, आपने डायरेक्टली वायलेट होने वाली कंडीशन पे कमेंट करते हुए ये नहीं लिख देना था कि पार्टनरशिप नहीं और क्वेश्चन क्लोज कर दिया। आपने जो कंडीशन पूरी हो रही हैं उनके ऊपर भी कमेंट करना था कि ये कंडीशन पूरी हो रही है। ये बात समझ आ रही है? यानी जो भी असल में हमारे जो मार्क्स एलोकेशन देता है ना, वो हमारे डिसीजन पे नहीं देता, बेसिस ऑफ डिसीजन पे देता है। तो बेसिस ऑफ डिसीजन में हमने उसे बताना है कि इस इंफॉर्मेशन का क्या इफेक्ट है, इस इंफॉर्मेशन का क्या इफेक्ट है, इस इंफॉर्मेशन का क्या इफेक्ट है। डन? यस। ये क्वेश्चन 11 था, चलिए अब इसको कर देते हैं हम क्लोज। और बाकी के क्वेश्चन हम इंशाल्लाह ये आज की होम असाइनमेंट भी नोट कर लें, आज वाली होम असाइनमेंट के साथ हम कल करेंगे। अभी चलते हैं लेक्चर की तरफ। आपने असाइनमेंट वैसे की हुई है ना? नेक्स्ट दो कंसेप्ट। अच्छा, आगे चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लो। जी जी पूछे, नहीं क्वेश्चन और भी क्वेश्चन। हाँ, एक्ट ऑफ द फर्म में ये लाइन लिखी हुई है कि एक्ट विच गिव्स थर्ड पार्टीज ए राइट टू विच राइट इनफोर्सेबल, यानी वो कहता है एक्ट ऑफ, हम उस एक्ट को एक्ट ऑफ फर्म कहेंगे जिसकी बेस पे फर्म थर्ड पार्टी के खिलाफ एक्शन ले सके और थर्ड पार्टी फर्म के खिलाफ एक्शन ले सके। ये सिर्फ उसका लीगल सेंटेंस है। इसका मतलब ये है कि पार्टनर्स में से किसी ने भी अगर अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज किया और थर्ड पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट किया, वो एक्ट ऑफ फर्म कहलाएगा। इसका सिंपल मीनिंग ये है, क्योंकि कोई भी पार्टनर अगर थर्ड पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट करता है तो उस एग्रीमेंट करने से फर्म में हर पार्टनर को राइट मिल जाता है कि वो थर्ड पार्टी के खिलाफ केस फाइल कर सके, और थर्ड पार्टी को भी ये राइट मिल जाता है कि वो फर्म में किसी के भी खिलाफ केस फाइल कर सके। ये जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी अली वाली एग्जाम्पल में यही कंसेप्ट था कि उसमें थर्ड पार्टी को राइट मिल गया था कि वो किसी भी पार्टनर के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं, और इसी तरीके से हर पार्टनर के पास भी ये राइट मिल गया था उसको कि वो थर्ड पार्टी के खिलाफ केस फाइल कर सकता है। जी और भी क्वेश्चन? जी जी, हाँ। अच्छा, मैं अब मैंने एक थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है कि लेक्चर के दौरान में जो अहम स्टेटमेंट्स होती है ना, वो आपको व्हाट्सएप के जरिए से शेयर कर देता हूँ। ये एक तरह से समझ लीजिए आपका क्विक रीकैप होता है क्लास का, इंश्योर करने के लिए कि आपको अहम चीज़ें क्लास की समझ आ गई है। ठीक है, तो उसमें कल मैंने शेयर किया था, तो उसमें एक लाइन थी स्लीपिंग पार्टनर, सॉरी साइलेंट पार्टनर। फिलहाल साइलेंट पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर दोनों का मतलब एक ही समझे। ये वो पार्टनर होता है जो कि बिजनेस के मामलात में दखलंदाजी नहीं करता। जैसे आज की वाली किस क्वेश्चन में था? आज की एक केस स्टडी थी ना, जिसमें तीन पार्टनर थे, डिसाइड हुआ था सिर्फ एक आफ्ताब ही बिजनेस को मैनेज करेगा, बाकी बिजनेस को मैनेज नहीं करेंगे। तो जो वो साइलेंट या उन्हें स्लीपिंग भी कह सकते हैं, साइलेंट पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर, फिलहाल एक ही चीज है ये, फिर बिजनेस की मैनेजमेंट में हिस्सेदार नहीं होते। क्लियर हो गया जी? ठीक है, लेकिन आगे चल के थोड़ा सा फर्क आएगा साइलेंट और स्लीपिंग में, वो मैं आपको तब बताऊंगा, अभी मैं उस साइड पे नहीं लेके जाना चाह रहा, वो कल के लेक्चर का हिस्सा होगा। जी जी, अगर मैसेज नहीं आया तो आप वो टीए को नंबर लिखवा दीजिए, वो नीचे जाके वो फिर ऐड कर लेगा। चलिए और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है। अब हम चलते हैं डिफरेंस की तरफ। डिफरेंस पार्टनरशिप और को ओनरशिप, देखिये पार्टनरशिप तो हमने पढ़ लिया क्या है, को ओनरशिप क्या ये सुन लें। को ओनरशिप नाम से जाहिर है, जब किसी एक प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा ओनर हो तो उन्हें क्या कहेंगे? को ओनर्स, को ओनर्स। जैसे आपने शायद कभी सुना हो कि बाप ने एक घर दोनों बेटों के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, तो वो दोनों बेटे क्या हो गए? को ओनर्स।
कौन, जैसे जॉइंट अकाउंट, शाबाश, जब बैंक में जाएं और जॉइंट अकाउंट खुलता है यानी दोनों साइन करेंगे तो चेक की पेमेंट होगी, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या हो गए, को ओनर उस बैंक बैलेंस के, ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर फादर की डेथ हो जाए और उसके दो बच्चे हों, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके मालिक कितने हैं, दो। अच्छा आप देखें, ये जहन में रखिएगा, ये दोनों लीगली पॉइंट सुन लीजिए। अगर फर्ज कीजिए उसके दो होटल थे बाप के जिसकी डेथ हुई और दो बच्चे थे, डेथ हुआ सारी की सारी प्रॉपर्टी जाहिर है बच्चों को मिलेगी, क्या होटल वन एक बच्चे का और होटल टू दूसरे बच्चे का होगा, ऐसा होगा? ला कहता है नहीं, दोनों होटलों के दोनों मालिक हैं, अनलेस के वो एग्रीमेंट करके आपस में उसको लदा लदा कर लें, वरना वो को ओनर्स हैं, को ओनर्स। और बाज़ुकात ऐसा होता है लीगल, ये जो फैमिली केसेस होते हैं ना, इनमें कम्प्लेक्सिटी ऐसी आ जाती है कि वो दादाजी के नाम पे घर होता है, उनकी डेथ हुई फिर उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है पहले बच्चों को और फिर बच्चों में से आगे उनके बच्चे को, तो वो ओनरशिप जो है ना काफी दो तीन जनरेशन में अगर ट्रांसफर हो, पुराने लोग बाज़ुकात ऐसे चलाए जाते थे, तो प्रॉपर्टी एक बंदे की डेथ होने पर जिसके नाम पर प्रॉपर्टी थी उसके जो वारसान है ना उनकी तादाद 30-35-40 तक भी पहुंच जाती है, तो वो सारे फिर को ओनर हो जाते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, को ओनर्स। तो को ओनर का मतलब समझ आया, एक प्रॉपर्टी के जॉइंट ओनर्स, जॉइंट ओनर जो होंगे उन्हें क्या, बेसिक क्वेश्चन क्या जो हमें समझाना चाह रहा है, को ओनर पार्टनर नहीं होते, बेसिक क्वेश्चन, बेसिक ये कंसेप्ट है, क्योंकि वो आपस में कोई ऑन गोइंग बेसिस के ऊपर बिजनेस नहीं चला रहे, सिर्फ प्रॉपर्टी को ओन कर रहे हैं, बेसिक। बाकी डिफरेंस में उसने वो हमें डिटेल में कंसेप्ट समझा दिया, बेसिक कंसेप्ट ये किया, क्या को ओनर पार्टनर्स नहीं है। अब हमें फर्क बता रहा है, फॉर्मेशन, पार्टनरशिप कैसे बनती है, कैसे बनती है, एग्रीमेंट से, किसी की डेथ से बाय स्टेटस तो पार्टनरशिप क्रिएट नहीं होती ना, ओनरशिप एग्रीमेंट के जरिए से क्रिएट नहीं होती, ठीक है, नॉट बाय एग्रीमेंट, ये क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट, ये नॉट क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट। फिर नेक्स्ट बिजनेस, पार्टनरशिप में बिजनेस चलाना लाजमी है, कोनरशिप में बिजनेस नहीं चलाया जाता, सिर्फ एक प्रॉपर्टी होती है जिसको मैनेज करते हैं। नंबर ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा 20, अब इसके एक्सेप्शन हैं आपको पता है, बैंकिंग बिजनेस में 10 और प्रोफेशनल में ग्रेटर देन 20 भी हो सकता है, लेकिन कोनरशिप में कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं है, यानी 20 से ज्यादा भी कोनर्स हो सकते हैं, पार्टनरशिप में लिमिट है 20 की। नेक्स्ट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, पार्टनरशिप में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होती है और कोनरशिप में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं होते, क्योंकि बिजनेस नहीं होता। नेक्स्ट एजेंसी, पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं, पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ फर्म फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, जबकि को ओनर एक दूसरे के एजेंट नहीं होते, यानी को ओनर अगर कोई भी एक्ट करेगा क्या दूसरे को ओनर उसके एक्ट के लिए जिम्मेदार हैं, नहीं जिम्मेदार, लेकिन पार्टनर अगर कोई भी एक्ट करेगा तो दूसरे पार्टनर उसके उस एक्ट के लिए जिम्मेदार हैं। जी स्लीपिंग पार्टनर, वो एजेंट कैसे, अच्छा स्लीपिंग पार्टनर नहीं, वो तो एक एक्सेप्शन है ना, स्लीपिंग पार्टनर को तो कोई काम करने की इजाजत ही नहीं होती स्लीपिंग, लेकिन नॉर्मल हालात में जो नॉर्मल पार्टनर्स होते हैं, जो एक्टिव पार्टनर्स होते हैं, वो कोई भी काम करेंगे तो बाकी पार्टनर्स के ऊपर वो लायबल। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का क्या कंसेप्ट समझाया था आपको, याद है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का क्या कंसेप्ट था, अगर 5 पार्टनर्स है उनमें से एक पार्टनर को पैसों की जरूरत पड़ गई तो वो अपना हिस्सा बेच सकता है, बिल्कुल अपना हिस्सा बेच सकता है। अच्छा इसमें एक प्रॉब्लम आती है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि जब तक सारे पार्टनर्स ना ना मानेंगे कोई नया पार्टनर ऐड नहीं होता, नया पार्टनर ऐड नहीं होता। अब क्या कोई एक पार्टनर अपनी मर्जी से किसी से डील करके अपना सारा शेयर बेच के उसको पार्टनर बना सकता है, जब नहीं बना सकता, इसीलिए, लेकिन वो अपना शेयर बेच सकता है सबसे इजाजत लेके शेयर, अच्छा शेयर बेचने के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि लॉ ये कहता है कि पहला शेयर खरीदने का पहला हक आपके दूसरे पार्टनर्स को है, आपको मिस्टर ई को, पांचवें पार्टनर को पैसों की जरूरत है, ठीक है वो शेयर बेचने को तैयार है, ठीक है बेच दे, लेकिन पहला हक किसका है, एग्जिस्टिंग पार्टनर का, तो उन सबसे पूछ ले, उन सबकी कंसर्न ले ले, अगर उनमें से कोई शेयर खरीदने को तैयार है उसको बेचे, लेकिन अगर उनमें से कोई शेयर खरीदने को तैयार नहीं लेकिन उन्हें ज्यादा दे दी शेयर बेच दो,
तो मिस्टर ई अपना शेयर्स आगे किसी भी पार्टी को बेच सकता है, लेकिन इससे वो पार्टी जिसको शेयर ट्रांसफर किया, इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है, वो पार्टनर नहीं बनती। लॉ ये कहता है उसका एग्रीमेंट है ई के साथ, बाकी पार्टनर के साथ उसका कोई एग्रीमेंट नहीं। ये जो ट्रांसफर है ना ट्रांसफरी, इसका बिजनेस के अंदर कोई अमल दखल नहीं है। ये बिजनेस में आके कोई काम नहीं कर सकता, कोई डीलिंग नहीं कर सकता, मैनेजमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये ई का इंडिविजुअल कैपेसिटी में हुआ उसके साथ शेयर सेल करने का। बाकी पार्टनर्स हो सकता है कि जानते भी ना हो कि ई ने किसको शेयर बेचा। तो ये जो जिसको शेयर ट्रांसफर किया जाता है इसे क्या कहते हैं? ट्रांसफरी, ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट। ये याद रखिए मेन रूल, ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट पार्टनर नहीं है, ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट पार्टनर नहीं है। तो यहां पे समझा क्या रहा है, पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर दूसरों की कंसेंट के बगैर, रजामंदी के बगैर शेयर ट्रांसफर नहीं, कैन नॉट ट्रांसफर विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। हाँ, विद कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर ट्रांसफर कर सकते, विदाउट कंसेंट नहीं कर सकता। लेकिन जो को ओनर है वो दूसरों की कंसेंट के बगैर प्रॉपर्टी को बेच सकता है, अपना हिस्सा चाहे तो बेच सकता है किसी और। ये डिफरेंस क्लियर है? ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, केस स्टडी नॉर्मली नहीं पूछता। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप और एक कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ पार्टनर, दोनों में फर्क है। टाइप्स ऑफ पार्टनर हम कल पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप आज पढ़ें। ये पार्टनरशिप की कितनी टाइप्स होती हैं? ब्रॉडली पार्टनरशिप की दो टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर बहुत ज्यादा है, लेकिन वो आज नहीं पढ़ रहे। आज क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की दो बड़ी टाइप्स हैं, एक को कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप और एक को कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। पर्टिकुलर पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एट विल। पर्टिकुलर पार्टनरशिप कौन सी होती है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप कौन सी होती है? जो के एक स्पेसिफिक पीरियड या स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाए, ऐसी पार्टनरशिप जो स्पेसिफिक पीरियड या स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाए उसे कहेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप। यानी हमने कहा ए और बी ने मिलकर हमने फैसला किया अगले 2 साल तक हम पार्टनरशिप करेंगे, 2 साल के बाद हमारी पार्टनरशिप खत्म, फिर 2 साल बाद फैसला करेंगे क्या करना क्या नहीं करना। ये पार्टनरशिप हमने स्पेसिफाई कर दिया पीरियड 2 साल तक, ये कौन सी पार्टनरशिप है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। यहां बाज़ुकात पीरियड की बजाय हम कोई पर्पस, कोई प्रोजेक्ट मेंशन कर देते हैं कि गवर्नमेंट ने हमें एक डैम बनाने के लिए कहा है, डैम बनाने के लिए हम आपस में पार्टनरशिप कर लेते हैं, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं ये इंजीनियर है, एक साथ हो सकता है कि कोई नक्शा बनाने वाले को भी हम ऐड कर लें, और हम कहें कि हम ये 3 पार्टनर जब तक के कॉन्ट्रैक्ट पूरा डैम नहीं बन जाता। जिस दिन डैम बन गया उस दिन पार्टनरशिप, ये वाली पार्टनरशिप फर्क खत्म। जिस दिन 2 साल पूरे हो गए पर्टिकुलर पार्टनरशिप, यानी पर्टिकुलर पार्टनरशिप पर्टिकुलर टाइम या प्रोजेक्ट के लिए बनती है, जैसे ही वो टाइम या प्रोजेक्ट पूरा हो जाए पार्टनरशिप बताने की जरूरत नहीं होती, बल्कि ऑटोमेटिकली वो कुआ हो जाए इवेंट या वो टाइम पूरा हो जाए खत्म, यह पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और एक पार्टनरशिप है पार्टनरशिप एट विल, यानी जो पार्टनरशिप पर्टिकुलर नहीं है वो पार्टनरशिप एट विल है। यानी पार्टनरशिप एट विल ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड या पर्पस मेंशन नहीं किया जाता, वह पार्टनरशिप एट विल, वो चलती रहती है। एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ, दूसरा, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा, तीसरा खत्म हुआ, चौथा, वो पार्टनरशिप चलती रहती है। एक साल खत्म हुआ, दूसरा, दूसरा साल खत्म हुआ, तीसरा, तीसरा साल खत्म हुआ, चौथा, पार्टनरशिप चलती रहती है। इसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप एट। अच्छा, आप नोट कीजिए पर्टिकुलर पार्टनरशिप को पर्टिकुलर क्यों कहते हैं, ये समझ में आता है, क्योंकि पर्टिकुलर पीरियड या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, पर्पस के लिए। पार्टनरशिप एट विल को पार्टनरशिप एट विल क्यों कहते हैं? एट विल का मतलब है मर्जी, हाँ, कि जब तक मर्जी है करें, और जब मर्जी नहीं है, यानी अगर कोई एक पार्टनर छोड़ के जाना चाहता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप में नहीं जा सकता। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में अगर कोई 2 साल के एग्रीमेंट करके 6 महीने बाद जाएगा ना, तो उसके साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस लगेगा, उसे हैवी डैमेजेस देने पड़ेंगे अगर जाएगा तो उसके साथ। लेकिन पार्टनरशिप एट विल में अगर कोई पार्टनर किसी भी वक्त जाना चाहे तो वो, लेकिन ऐसे नहीं कि एक दिन शाम को घर गया, सुबह आया ही ना, पता चला छोड़ के चला गया,
हफ्ते बाद, ना 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 ना, उसे नोटिस, बकाया नोटिस देना पड़ेगा। आप कहीं पे जॉब भी करने जाते हैं ना एम्प्लॉयमेंट, तो आप रिजाइन कर सकते हैं किसी भी वक्त कर सकते हैं, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है लिखा होता है कि आप 3 साल से पहले रिजाइन नहीं करेंगे, समटाइम नहीं लिखा होता। अगर लिखा हुआ 3 साल से पहले रिजाइन नहीं करेंगे तो ये एक तरह से पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट हो गई, और अगर टाइम पीरियड मेंशन नहीं है एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन में तो फिर ये एम्प्लॉयमेंट हेडविल है कि जब तक करना चाहे करें, जब छोड़ के जाना चाहे छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। यह है पार्टनरशिप एंड विल। भाई दोनों में फर्क समझ आया? चलिए आगे डिटेल में जाने से पहले छोटी सी एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल फर्ज किए, फर्ज कीजिए ए और बी ने मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट किया, बल्कि कर ली मैरिज। ये एक तरह की अगर पार्टनरशिप हो तो बताइए ये पार्टनरशिप एट विल है कि पार्टनर पर्टिकुलर पार्टनर, किससे रिजेंबलेंस है? पार्टनरशिप एट विल, शाबाश, क्योंकि उसमें टाइम पीरियड मेंशन नहीं ना होता कोई प्रोजेक्ट, शाबाश। तो अब इसका मतलब है हमें पर्टिकुलर पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एट विल में जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ में आ गया। बेसिक डिफरेंस क्या है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप ऐसी पार्टनरशिप है जो कि स्पेसिफिक पर्पज या पीरियड के लिए होते हैं। जैसे ही वो पर्पज या पीरियड पूरा हुआ, ये पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गई, अलहदा से नोटिस देने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर अच्छा एक एडिशनल कंसेप्ट हमें दे रहा है, कह रहा है फर्ज करो अगर पर्पज या पीरियड कंप्लीट हो जाए लेकिन वो लोग फिर भी पार्टनरशिप को कंटिन्यू करें, तो कहता है वो उसके बाद पार्टनरशिप तो रहेगी लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप नहीं रहेगी। पार्टनरशिप अगर अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप का पीरियड टाइम खत्म होने के बाद भी कंटिन्यू रहे तो वो पार्टनरशिप तो है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप तो फिर कौन सी पार्टनरशिप हो गई? पार्टनरशिप एट विल। क्लियर हो गई ये बात? चलिए अब आते हैं पार्टनरशिप एट विल की तरफ। पार्टनरशिप एट विल कौन सी पार्टनर जिसमें कोई ड्यूरेशन या कोई पर्पस, कोई प्रोजेक्ट मेंशन नहीं है, वो है पार्टनरशिप एट विल में। अगर आप रिटायर होना चाहते हैं, रिजाइन करना चाहते हैं, तो क्या जरूरी है? नोटिस। नोटिस इज नेसेसरी टू डिसॉल्व। नोटिस जरूरी है डिसॉल्व करने के लिए पार्टनरशिप को। जैसे फर्ज कीजिए हम 5 लोगों की पार्टनरशिप हुई, आज है क्या तारीख? 8 जून। मैंने आज इनको नोटिस दे दिया कि आई एम नो मोर पार्टनर, ठीक है। पार्टनरशिप एट विल में इसी तरह होता है ना, नोटिस देना जरूरी होता है। नोटिस पार्टनरशिप कब से डिसॉल्व हुई ये डिपेंड करेगा कि नोटिस पे मैंने डेट लिखी है। अच्छा डेट से मुराद आज की डेट नहीं है, डेट से मुराद है आपने अक्सर सुना होगा विद इमीडिएट इफेक्ट लिखा होता है बाजू का, या विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट। तो लिखा जाएगा अगर मैंने ये लिखा ना, गौर से सुनिएगा, आई एम नो मोर पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022। नोटिस 8 जून को दिया लेकिन ये कम जुलाई से, तो पार्टनरशिप कब डिसॉल्व होगी? 1 जुलाई से। और अगर मैंने ये डेट नहीं लिखी बल्कि ये लिखा आई एम नो मोर पार्टनर, तो फिर इसे विद इमीडिएट इफेक्ट एज्यूम किया जाता है, यानी फिर पार्टनरशिप आज के आज ही डिसॉल्व हो जाएगी। तो अगर पार्टनरशिप एट विल को डिसॉल्व करने के लिए नोटिस जरूरी है, और पार्टनरशिप कब डिसॉल्व होगी अगर उस नोटिस में डेट ऑफ रेजिग्नेशन लिखी हुई है तो उसी डेट से, और अगर डेट ऑफ रेजिग्नेशन नहीं लिखी जिस नोटिस, और नॉर्मली एम्प्लॉयमेंट में भी इसी तरह होता है, आप जब नोटिस देते हैं तो उसके ऊपर डेट लिख देते हैं कि सर ये दिन मेरा आखिरी होगा, अगर दिन ना लिखे तो उसका मतलब है विद इमीडिएट इफेक्ट। क्लियर? इफ एग्रीमेंट स्टेट्स दैट पार्टनरशिप विल बी डिसॉल्वड ओनली बाय कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, ओनली बाय कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, खुद बताइए अगर पार्टनरशिप में लिखा हो कि पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी कब? जब पार्टनर की रजामंदी हो, जब सारे के सारे पार्टनर्स मानेंगे तब। यानी एक पार्टनर अगर रिजाइन करना चाहे तो, अगर ये लिखा सबका मानना जरूरी है, क्या ये पार्टनरशिप एट विल होगी? क्योंकि मर्जी नहीं है पार्टनर, बस यहां तक सोचना है, इससे आगे नहीं सोचना। पार्टनरशिप एट विल नहीं होगी, आगे नहीं, हाँ क्या कहा, आगे नहीं सोच, फिर क्या होगा ये नहीं सोचना, इसका जवाब लाने नहीं बताया हुआ, ठीक है। तो बेसिक बताइए डिफरेंस पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप में, फर्क समझ आ गया? हाँ शाबाश। चलिए क्विक रिवीजन करते हैं 2 मिनट में, फिर इसके बाद वो क्विज की तरफ चलते हैं हम। आज के लेक्चर में छुट्टी नहीं, क्विज आपका,
आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, हमने दो चीजें सीखी, एक हमने डिफरेंस सीखा पार्टनरशिप में और ओनरशिप में, और दूसरा हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप सीखी, पर्टिकुलर पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप और ओनरशिप में क्या फर्क है, फॉर्मेशन, पार्टनरशिप की फॉर्मेशन होती है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू, जबकि ओनर की फॉर्मेशन एग्रीमेंट के थ्रू नहीं होती। बिजनेस पार्टनरशिप में बिजनेस चलता है, ओनरशिप में कोई बिजनेस नहीं होता। नंबर ऑफ पर्सन पार्टनरशिप में स्पेसिफाइड है, ओनरशिप के लिए नंबर ऑफ पर्सन स्पेसिफाइड नहीं है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट पार्टनरशिप में होती है, ओनरशिप में नहीं होती। एजेंसी पार्टनरशिप में पार्टनर्स का आपस एजेंसी रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, ओनर्स का एजेंसी रिलेशनशिप नहीं, वो एक दूसरे के एजेंट नहीं होते। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पार्टनरशिप में सारे कंसेंट, पार्टनर्स की कंसेंट जरूरी है ट्रांसफर करने के लिए, जबकि ओनरशिप में अदर्स की कंसेंट जरूरी नहीं है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में क्या पढ़ा, दो तरह की टाइप्स है पार्टनरशिप की, पहला पार्टनर पर्टिकुलर पार्टनरशिप और दूसरा पार्टनरशिप एट विल। पर्टिकुलर पार्टनरशिप कौन सी होती है, जो कि पर्टिकुलर पीरियड या प्रोजेक्ट के लिए, पर्पस के लिए की जाए। जैसे ही वो पीरियड या प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, कोई नोटिस देने की अलग से जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर पर्टिकुलर पर्पस या पीरियड एक्सपायर होने के बावजूद भी पर्टिकुलर पार्टनरशिप कंटिन्यू की जाए तो क्या बन जाती है, पार्टनरशिप एट विल बन जाती है। अब चलते हैं पार्टनरशिप एट विल, ये कौन सी पार्टनरशिप है जिसमें कोई पीरियड कोई भी पर्पस मेंशन नहीं किया होता। इसमें अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो क्या करे, नोटिस दे दे। और नोटिस दिया तो पार्टनरशिप कब से डिसॉल्व होगी, अगर नोटिस में डेट दी गई है तो उस दिन से, अगर नोटिस में कोई डेट नहीं बताई गई तो जिस दिन नोटिस दिया गया उसी दिन डिसॉल्व हो जाएगी। और आखिरी कंसेप्ट, अगर पार्टनरशिप में ये लिखा गया है कि कोई पार्टनर रिजाइन कर सकता है लेकिन सारे पार्टनर्स की कंसेंट के बाद, अकेले फैसला नहीं करेगा, तो फिर ये पार्टनरशिप एट विल नहीं होगी। क्लियर हो गया ये? चलिए अब आप ऐसा कीजिए, आपके पास 3 मिनट हैं, 3 मिनट में हमने ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टडी किए हैं इनकी क्विक रिवीजन कर लें, गो थ्रू कर लें एक दफा, फिर उसके बाद हम क्विज की तरफ चलते हैं। पॉज कीजिएगा जी। अब हम आज के लेक्चर से रिलेटेड क्विज स्टार्ट करते हैं, ताकि मुझे समझ आ जाए, आपको भी इवैल्यूएशन हो जाए कि कंसेप्ट को किस हद तक समझ चुके हैं आप, ताकि घर जाके जब आप याद करने लगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अभी एक काम कीजिए, पहले तो अपनी बुक्स बंद कर दे, बस बुक्स का काम खत्म, बैग में डाल दे, ये क्विज बहुत पढ़ लिया, ये क्विज इसके बाद छुट्टी। और एज यूजुअल menti.com साइट पे जाइए, वहां पे आपको बॉक्स नजर आएगा, बॉक्स में ये कोड एंटर कीजिए 4462175 1755। जी जल्दी से आ जाए। नए स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं, आपके सामने आपके मोबाइल की स्क्रीन पे एक क्वेश्चन अपीयर होगा जब क्विज स्टार्ट होगा, आपने उस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, आपके सामने पहले क्वेश्चन अपीयर होगा, 5 सेकंड का रीडिंग टाइम है, 5 सेकंड में आपने इस क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसके बाद आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगी, आपके पास तकरीबन 30 सेकंड का टाइम होगा, आपने उस 30 सेकंड के अंदर फैसला करना है कौन सी ऑप्शन ठीक है, उसको टिक करना होगा। फिर जब टाइम खत्म हो जाएगा तो उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा कि आपने जो ऑप्शन दी है वो ठीक थी कि गलत थी, वो बता देगा। अच्छा, ये ही चीजें सामने भी डिस्प्ले हो रही होंगी, लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि आपके मोबाइल पे जो डिस्प्ले होगा रिजल्ट वो सिर्फ आप ही का है, और सामने प्रोजेक्टर पे जो रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है वो पूरी क्लास का है। क्योंकि आपके लिए अहम चीज यह है कि आपने सही जवाब दिया कि नहीं दिया, लेकिन मेरे लिए अहम चीज यह है कि पूरी क्लास में से कितने स्टूडेंट ने सही जवाब दिया, कितनों ने गलत दिया। मुझे तो एज टीचर एग्रीगेट रिजल्ट चाहिए, आपको एज स्टूडेंट इंडिविजुअल का रिजल्ट चाहिए, तो इसीलिए सामने जो है वो एग्रीगेट रिजल्ट आ रहा होगा। और एंड पे हमारे 10 क्वेश्चन आज के क्विज में, जो टॉपर्स होंगे, जो 5 टॉपर्स होंगे उनको इनाम मिलेगा 50 रुपीज ईच का। और आज हाइब्रिड की क्लास में, कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें, जरा हाथ उठाइए। शाबाश, हाँ, तो आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाइब्रिड की क्लास में से भी टॉप 5 में से किसी ना किसी की पोजीशन होगी। कल नहीं थी, कल थी किसी की? अच्छा, आप जी, चलिए। अच्छा, अब आपसे कोई नाम पूछेगा, आपने अपना CRN नंबर एंटर करना है, जो ICAP का CRN नंबर है वो एंटर करना है। जी चलिए, रेडी हैं, स्टार्ट करें, फिर इतना टाइम नहीं है, फिर वो लेक्चर का टाइम खत्म हो जाएगा, स्टार्ट करते हैं अब। जी, ये रहा पहला क्वेश्चन, जी, इफ डेट ऑफ डिसोल्यूशन इज मेंशन्ड इन द नोटिस पार्टनरशिप विल बी डिसॉल्व फ्रॉम डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस। ये पार्टनरशिप एट विल का क्वेश्चन है।
ठीक है, तो बताइए सही है कि गलत? फॉल्स। क्यों? कब से इसमें अहम चीज क्या थी? डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस से डिसॉल्व नहीं होगा, डेट मेंशनड इन द नोटिस, तब से पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी। ठीक है, ये कम्युनिकेशन के वर्ड को आपने सही इंटरप्रेट नहीं किया। चलिए आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। तकरीबन डबल स्टूडेंट्स, 1/3 स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया, 2/3 स्टूडेंट गलती का गए। कोई नहीं, आगे चलते हैं, आगे चलते। सेकंड, अभी बड़े क्वेश्चन बाकी है। सेकंड क्वेश्चन, इफ पर्टिकुलर पार्टनरशिप कंटिन्यूज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट आर एक्सपायरी ऑफ पीरियड, ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया, तो वो क्या हो जाता है? उसका स्टेटस इलीगल हो जाता है? नहीं, वो बल्कि पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाती है, अलहदा से एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये तकरीबन सबने ठीक आंसर दिया, इट बिकम्स पार्टनरशिप एट विल। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का जब पीरियड या पर्पज खत्म हो जाए फिर भी कंटिन्यू रहे तो क्या बन जाती है? पार्टनरशिप एट विल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 50 रुपए के लिए। इन पार्टनरशिप नंबर ऑफ पर्संस कैन बी मोर देन 2, ये बात तो ठीक कह रहे हैं पहली बार, बट इन कोऑनरशिप नंबर ऑफ पर्सन आर ऑलवेज 2, फॉल्स। कोऑनरशिप में तो नंबर ऑफ पर्सन 20 से भी बढ़ सकते हैं, पार्टनरशिप तो फिर 20 पे आके खत्म हो जाती है, कोऑनर में तो 20 से भी बढ़ सकते हैं। तो ये भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने ठीक जवाब दिया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 ये रहा, जी co-owners can transfer their interest without consent of others, true है? बिल्कुल ऐसे हो सकता है। पार्टनरशिप कैन बी क्रिएटेड विदाउट एग्रीमेंट, ये फॉल्स है। पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट होना लाजमी है, हाँ उस एग्रीमेंट का रिटर्न होना लाजमी नहीं है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना लाजमी है, वो एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, वो एग्रीमेंट इम्प्लाइड भी हो सकता है। शाबाश। इम्प्लाइड का मतलब क्या है? जब साला साल से लोग आपस में काम कर रहे हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो चाहे उन्होंने फॉर्मली एग्री ना भी किया हो, उसे हम पार्टनरशिप ही ट्रीट करते हैं। भाईजान, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना जरूरी है? पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना जरूरी है? पार्टनरशिप में एग्रीमेंट, अच्छा एग्रीमेंट में कौन कौन सी चीजें तय होनी चाहिए? पढ़ा था ना पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए, कौन कौन से? नहीं यार, चले उसको छोड़े, जो याद दे क्या कंसर्ट बता दे। अगर कोई मैटर्स पार्टनरशिप में होने चाहिए एग्रीमेंट में लेकिन एग्री नहीं किए, फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं पता, कुछ नहीं यार। चले कोई नहीं, आगे चलते। ये क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इफ पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज कैरिड ऑन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इट बिकम्स इलीगल, फॉल्स। ये इसी तरह का पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, पर्टिकुलर पार्टनर तो वो इलीगल नहीं बनती, तो क्या क्या बनती है? पार्टनरशिप एट विल बन जाती है। क्वेश्चन 6, पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ ईच अदर, पार्टनर एक दूसरे के एजेंट होते हैं, यानी एक जो काम करेगा दूसरा लायबल होगा उसके लिए, यस करेक्ट। और को ओनरशिप डज नॉट इन्वॉल्व कैरिंग ऑन ऑफ बिजनेस, बिल्कुल। ये तो उसे डिफरेंस में से पूछ रहे हैं ना, ये कंसेप्ट डिफरेंस में से को ओनरशिप और पार्टनरशिप के, तो दोनों ट्रू है, इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई ए, शाबाश। ये कुछ स्टूडेंट के ख्याल में दूसरी फॉल्स है,
नहीं, को ओनरशिप डज नॉट, हाँ सही कह रहा है, को ओनरशिप में कैरिंग ऑन ऑफ बिजनेस नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, जी पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट टू अनदर पर्सन बट विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, ट्रू है? ट्रांसफर शैल बी कंसीडर्ड ए पार्टनर इन द फर्म, फॉल्स है। तो पहली स्टेटमेंट ट्रू, दूसरी फॉल्स, करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? सी ऑप्शन। चलिए इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ट्रांसफरी पार्टनर नहीं होता, माइनर भी पार्टनर नहीं होता। क्वेश्चन 8, ये आपको वो ऑफर वाला कंसेप्ट भी रिवाइज होगा आपका, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाला, कि सिर्फ लिखना काफी नहीं होता, कम्युनिकेट भी करना होता है। नोटिस इज रिटन बाय रिटायर, लिखा जाएगा, लिख के जेब में डाल दिया गया, वो था ना कंसेप्ट, एक्सेप्टेंस लेटर है, दिल में एक्सेप्ट कर लिया, ये एक्सेप्टेंस लेटर जेब में डाल दिया, पोस्ट नहीं किया, पोस्ट नहीं किया, रिटन लिखा, कम्युनिकेट नहीं लिखा हुआ। कम्युनिकेट होता तो फिर बात ही थी आपकी, बताया तो बताया तो है, रिटर्न। चले आगे चलते हैं, कोई नहीं, अभी भी दो क्वेश्चन, काया पलट हो सकती है अभी भी। अच्छा इतराज होगी ना आपको रिटर्न और कम्युनिकेशन में फर्क बता रहा। If agreement stage, partnership will be dissolved only with consent of all. ये partnership at will में हमने पढ़ा था, ये concept. आखिरी line ये थी. तो ये partnership at will नहीं होगी, क्योंकि एक partner अपनी मर्जी से नहीं छोड़ जा सकता partnership. True, correct. Last question ये रहा आपकी screen पे. इनमें से कौन सा वैलिड मोड ऑफ रिटायरमेंट नहीं है? ना ए, हाँ जी, गिविंग नोटिस नहीं है। देखिए कंप्लीशन पे तो आपको पता है रिटायरमेंट हो जाती है, अगर ये दोनों एग्री कर जाएं, जिन्होंने एग्रीमेंट शुरू किया टाइम से पहले ही खत्म कर देते हैं पार्टनरशिप, तो खत्म हो सकती है। जब सारे पार्टनर्स आपस में एग्री कर, तो ये भी वैलिड, इसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? सारी पार्टीज आपस में मिलकर एग्री कर लें तो खत्म हो सकता है, खत्म हो सकता है। जी अब हमारे टॉपर्स, आपने मोबाइल स्क्रीन पे आपका नंबर आएगा कि आपकी कितनी पोजीशन है, उसको आपने सेव कर, 124507 कौन है? 124, शाबाश, किधर है? 124507, शाबाश। नेक्स्ट 125488, 125488, शाबाश, हाइब्रिड में, शाबाश शाबाश। नेक्स्ट 132214, 132214, शाबाश। 11777, 11777, शाबाश। और अनस भाई, अनस भाई, अनस किधर है? अनस है फिफ्थ पोजीशन वाले, ये भी हाइब्रिड में, शाबाश। एक नहीं दो दो स्टूडेंट आ जाए हाइब्रिड में, शाबाश शाबाश। आपकी कौन सी वाली पोजीशन है भाई? 32। अच्छा आपकी कौन सी पोजीशन? 10th पोजीशन। चलिए ठीक है, चलिए आज का असाइनमेंट नोट कर लिया आपने? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।